भारी व्यक्ति वो भारी ही रहेगा, वो आज आ गया वो कल को फिर बाहर जाएगा। ये स्वाभाविक है, ये काम किया है, पार्टी को भी मजबूत किया है। मैंने उस चुनावों में भी कहा था एक बार कि ऐसी पार्टी दे दे जो आपके साथ कभी खड़ा ना हो, मतलब उस पार्टी के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी का जो कार्यकर्ता अगर उसको टिकट मिली होती तो जरूर हमें आजाद चुनाव लड़ना नहीं पड़ना था। सारे नेता घर बैठे हुए हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा है। और धर्मशाला की जनता को भी समझना चाहिए, पहले वो फंसी हुई हैं, वेलफेयर ऑफिस में फंसी हुई हैं, वहाँ जाना। तो कई बार हमने बोला ST ST के हैं, OBC के हैं, SC के हैं, तो कौन सा नंबर बोलते हैं 404 नंबर है, और अगले साल जाना वो भी 404 नंबर है। जो 404 नंबर का मकान है उसको कितने साल लगेंगे फिर बनते बनते। 5 साल में चुनाव एक बार होता है, जो 1 2 3 4 5 गिनता है वो तो 5 साल हो गए। पर जिसको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, वो जो 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 नेता 365 दिन जनता की सेवा करे करता है, तो उसके लिए 5 के 10 साल में उसको पता है कि वो संतुष्ट हो जाता है, उसको पता है कि मैंने जनता के लिए सेवा की। नमस्कार, वेलकम टू द न्यूज रडार, और आप सभी के साथ मैं प्रतिमा राणा। धर्मशाला में आज हम मौजूद हैं, और आज हमारे साथ हैं विपिन नहरिया जी। बहुत छोटी उम्र से अगर बात करें तो ये जो है BJP के साथ हैं, उनकी जितने भी अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल से वो उनके साथ कार्य करते आए हैं। काफ़ी छोटी उम्र से उन्होंने सीखा है कि आम जनता की मदद कैसे की जाए, और पार्टी के लिए बचपन से ही सहयोग देते आए हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं और आज इनसे बात करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ कारण रहा है एक लंबे समय से मीडिया के सामने भी नहीं आए हैं, और अभी क्या कर रहे हैं, और उस टाइम पर जो हलचल हुई थी इलेक्शन के टाइम पर उनको लेकर भी आज चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है नहरिया जी। धन्यवाद नहरिया जी। पहले तो बात कर रहे हैं, थोड़ा पीछे जाएंगे और चुनावों की तरफ करेंगे। आप जैसे बचपन से ही BJP के साथ थे, और अगर हम बात करें एक लंबे समय तक आपने BJP के लिए कार्य किया है, इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ कि आपको इंडिपेंडेंट खड़ा होना पड़ गया? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ, आपका भी अभिनंदन करता हूँ कि आज आपने मुझे ये मौका दिया अपने साथ इंटरव्यू करने का। कई कारण रहते हैं अगर हमने आज आज़ाद चुनाव लड़ा है। पार्टी के साथ लंबे समय से, जब हमारा वोट भी नहीं बना था तब से हम खड़े थे, और निस्वार्थ भाव से हमने सेवा की है। उस समय के हमारे पूर्व में मंत्री रहे, विधायक रहे, वर्तमान में MP हैं, उनके सानिध्य में हमने धर्मशाला में काफ़ी काम किया है, पार्टी को भी मजबूत किया है। लेकिन मैंने उस चुनावों में भी कहा था एक बार कि ऐसी पार्टी दे दे जो आपके साथ कभी खड़ा ना हो, मतलब उस पार्टी के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि वो मुझे नहीं, हमारे बहुत से कार्यकर्ता थे जिन्हें वो प्रत्याशी पसंद नहीं थे, और आज भी पसंद नहीं है। बेशक पार्टी उनके खींचते रहे, लेकिन आज भी वो हमें पसंद नहीं है। तो यही कारण रहा, सबसे बड़ा कारण, कि हमने आजाद चुनाव लड़ा। जो रिवाज था हम चाहते थे कि वो बदले, लेकिन जो बड़े नेता थे जिन्होंने रिवाज बदलना था, उन्हें चाहिए था कि अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिल दी जाए। भारी व्यक्ति वो भारी ही रहेगा, वो आज आ गया वो कल को फिर बाहर जाएगा, ये स्वाभाविक है। और जो हमारी पार्टी के थे जो दूसरी दल में जा रहे, वो भी ऑब्वियसली उनको पता है कि घर घर ही होता है। तो जरूर घर वालों को अगर इज्जत मिले, मनोबल बढ़ता है काम करने का। हमने कभी, जो हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है, बाय इलेक्शन में भी हमने पार्टी से टिकट का आग्रह किया था, एक छोटा सा शक्ति प्रदर्शन भी किया हमने, लेकिन उसके बावजूद एक कार्यकर्ता को टिकट मिली तो हमने काम किया, पार्टी का काम किया। जहाँ पार्टी ने ड्यूटी लगाई वहाँ हमने काम किया। पर यह कि पार्टी ने अगर कार्यकर्ता, पार्टी का जो कार्यकर्ता अगर उसको टिकट मिली होती तो जरूर हमें आज़ाद चुनाव लड़ना नहीं पड़ना था। तो ये कारण था कि पार्टी बाहर गई, तो इसलिए हमें भी आज़ाद चुनाव लड़ना। बात करेंगे कि अभी जो हमारे विधायक हैं धर्मशाला के, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि BJP तो आपने बता दिया कि लोग पसंद नहीं कर रहे, उनके कार्य पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी समय से जो हैं वो लोग काफ़ी रुष्ट भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि वो सामने नहीं आ रहे, क्या कुछ कारण है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे, उनका कार्य कैसा लग रहा है? मैं पिछले एक दशक की बात करूं तो धर्मशाला का दुर्भाग्य है, और मैं चाहता हूं कि धर्मशाला की जनता काफी पढ़ी लिखी है, उन्हें भी समझना चाहिए। 5 साल का समय है,
और ये 5 साल कोई भी नेता, चाहे वो पंच है, प्रधान है, जिला पार्षद है, हमारे नगर निगम के पार्षद हैं, या फिर कोई भी विधायक है या फिर MP, जनता ने अपने लिए, अपने भले के लिए कि वो जनता का कुछ भला करे, उसी लिए उसे चुना जाता है। पर मैं एक दशक से देख रहा हूँ, धर्मशाला का दुर्भाग्य है कि सारे नेता घर बैठे हुए हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा है। और धर्मशाला की जनता को भी समझना चाहिए, जो धर्मशाला की जनता की आवाज़ सुन सकता है, जो उनके छोटे छोटे मुद्दों को सुलझा सकता है। आपको जरूर आने वाले समय में ऐसे नेता को चुनना चाहिए, क्योंकि 5 साल में चुनाव एक बार होता है, लेकिन 5 साल जो नेता एक एक दिन गिन के काम करता है, जो 1, 2, 3, 4, 5 गिनता है, वो तो 5 साल हो गए। पर जिसको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, वो जो 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 नेता 365 दिन जनता की सेवा करता है, तो उसके लिए 5 या 10 साल में उसको पता है कि वो संतुष्ट हो जाता है, उसको पता है कि मैंने जनता के लिए सेवा की है। लेकिन बहुत से लोग हैं कि जो बन जाते हैं, बाद में घर बैठ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वर्तमान विधायक को घर बैठना चाहिए। और धर्मशाला भाई अनुराग जी की बदौलत काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अगर स्टेडियम की बात करूं मैं, तो जब से यहां IPL मैच हुआ है, तो धर्मशाला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। IPL से पहले धर्मशाला के छोटे छोटे होटलों में शटर लग गए थे, ताले लग गए थे, लेकिन IPL के बाद इतना ग्रो किया कि आज धर्मशाला में कहीं भी, धर्मशाला क्या मैं बोलता हूँ कि कांगड़ा में कहीं भी आप अपना छोटा जैसा व्यवसाय खोल दें तो वो चलेगा। तो रोजगार के क्षेत्र में इतना, मतलब धर्मशाला पॉपुलर हो चुका है, मतलब कि टूरिज्म के क्षेत्र में इतना आगे चला गया है कि धर्मशाला में हमें अब अच्छे नेता की जरूरत थी। लोगों को लगा जो उनका उन्होंने एक नारा दिया था कि सुधीर ही सुधार है, चलो नारा दे दिया सुधीर ही सुधार है, पर अब उन्हें खुद पूछना चाहिए सुधीर तो है पर सुधार कहाँ है। नेहरी जी, बात करेंगे अब आपके कार्य के ऊपर, कि जिस तरह से आप ST मोर्चा के भी संपत संभालते हैं, तो उसको लेके क्या कुछ आप कर रहे हैं, क्योंकि पिछले एक साल से आप जो हैं वो थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहे हैं, तो क्या कुछ कार्य जो हैं वो आप कर रहे हैं अभी? जरूर, मैं पूर्व में भाजपा ST मोर्चा का उपाध्यक्ष रहा हूँ, मैं पूर्व में कई पदों पर रहा हूँ वैसे, पर एक ही मेरी रोज़ाना एक रूटीन होती है, सुबह नहाना, पूजा पाठ करना, थोड़ा जैसा अपना समय, अपने काम के लिए समय देना, उसके बाद जो समय है मेरा ज़्यादातर समय जो वो जनता के लिए होता है। कोई भी मेरे पास मिलने आता है, मैं उनकी बात को सुनता हूँ, कहीं से भी मुझे फ़ोन आए तो मैं स्वयं उनकी मदद करने स्वयं उनके घर तक जाता हूँ। तो एक रूटीन है मेरी कि मैं, मुझे सेवा करना बचपन से अच्छा लगता है, तो इसी सेवा से मैं प्रेरित हुआ हूँ। तो ये रूटीन तब से अब तक वो बना ही है? ये रूटीन मेरी बचपन से, मेरी मतलब कि जब मैं छोटा होता था तो मुझे, जब मैं अपना काम कर देता तो मेरे आसपास वाले जो मेरे साथ पड़ोसी हैं, तो मैं जरूर उनका काम करता था, श्रमदान करता था। तो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते गए, तो जितना हमारे पास होता है उतना हम हर मतलब जो जिस चीज़ से हम सक्षम हैं उसका हम जनता के साथ बांटना, मतलब कि हमें बड़ा अच्छा लगता है। नेहरी जी, यूथ को आप कैसे देख रहे हैं, वो किस तरह से अभी ST मोर्चा की तरफ, या फिर आम जनता से अगर बात करें तो वो, क्योंकि अब लोग जो हैं वो दूर होते हुए दिख रहे हैं, पर आम जनता की हेल्प के लिए किस तरह से आप देख रहे हैं यूथ अभी आगे आ रहा है? मैं खुद अपनी बात करूँ, जब मैं एक युवा था, अभी भी युवा हूँ, पर जब मैंने अपना काम शुरू किया था, मेरी एक इच्छा थी कि मैं खुद का काम करूँ। तो जब मैंने सोचा कि मैंने एक गेस्ट हाउस बनाना है, गेस्ट हाउस से पहले मेरे पास छोटा सा होम स्टे का थोड़ा सा 4-5 रूम थे, उससे पहले मैंने लॉन्ड्री के काम से शुरू किया था। तो जब मैंने गेस्ट हाउस का सोचा तो मुझे मैप अप्रूव करवाना था, जब मैंने मैप को अप्रूव करवाना था तो TCP जो डिपार्टमेंट है हमारा, लगभग 1 साल तक उन्होंने मेरे मैप को अड़ाए रखा। एक युवा जब कुछ काम करना चाहता है और डिपार्टमेंट उसे काम करने नहीं देगा, तो बहुत से युवाओं को जो काम करना चाहता है, ऐसी ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं। जरूर मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि युवा स्वरोजगार बने, युवाओं को बहुत सी जो तकलीफें होती थी उनको उन्होंने दूर किया है, चाहे उन्हें रोजगार के लिए
व्यवसाय शुरू करने के लिए छोटा सा लोन लेना है, स्टार्टअप करना, तो उन्हें कुछ कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत होती है। तो मोदी जी ने उसका प्रावधान किया है कि उनको इजी बैंक से लोन मिल जाए। बहुत से स्ट्रीट वेंडर जो थे हमारे, उनके लिए उन्होंने दुकानों की व्यवस्था कर रहे हैं। के ऊपर छोटी से छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हर एप्लीकेशन के ऊपर। आजकल कई परिवार ऐसे हैं कि वो उनके डेवलपमेंट का मतलब ही नहीं है, वो अपने चक्कर जो उनकी फाइलें हैं वो फंसी हुई हैं, वेलफेयर ऑफिस में फंसी हुई हैं, वहाँ जाना। तो कई बार हमने बोला एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, तो कौन सा नंबर? बोलते 404 नंबर है, और अगले साल जाना वो भी 404 नंबर है। जो 404 नंबर का मकान है उसको कितने साल लगेंगे फिर बनते बनते, जब केंद्र से मदद मिल रही है, स्टेट से भी लोग बोल रहे हैं कि हमने कच्चे मकान को पक्के बनाना है, तो फिर वो 400 वाला कहाँ गया? तो कई बार दिक्कत आती है। हमने पूर्व में अपने सीएम को बोला, सर कोई आप कुछ ऐसा बजट करो कि पूरे हिमाचल में 10,000 घर के लिए आप पैसा ऊपर से लाएं। आप प्रयास कर सकते हैं युवा कि वो अपने समय का सदुपयोग करें, अपने समय को जो अपने घर के कुछ काम का काज होते हैं उनके ऊपर लगाएं, और स्टार्ट जो उनका मन, जो उनकी उनकी उनके अंदर है प्रतिभा है, वैसे कोई भी काम है। नहीं, ये बहुत अच्छी शिक्षा जो है आज के यूथ के लिए दी है कि यूथ कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों में आगे नहीं आ रहा है, छोटा काम देख करके इन चीज़ों पर वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी शिक्षा दी है आपने कि कोई भी काम है अगर मन से करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, और उम्र तो फिर कोई भी हो, सफलता मिलेगी तो किसी भी उम्र मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए सर। थैंk यू। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.